हेलो गाइस, ये एक और वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो क्या चलने वाला है, थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। आज का वीडियो क्या चलने वाला है, यूट्यूब वीडियो कॉपीराइट कैसे हटाए। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बहुत लोगों का वीडियो में कॉपीराइट लगा देता रहता है। लेकिन कॉपीराइट का प्रोसेसिंग फीचर बहुत सिंपली कर दिया है दोस्तों यूट्यूब वालों ने। कॉपीराइट कैसे हटाए और स्ट्राइक नहीं हटा सकते दोस्तों स्ट्राइक को, क्योंकि वो स्ट्राइक तो ओनर ही देगा दोस्तों। आप ये ही काम करना है दोस्तों, उस ओनर से ही रिक्वेस्ट मांगना है कि आपके वीडियोस अभी नहीं डालूंगा, आपकी म्यूज़िक नहीं मेरे वीडियो पे लगाऊंगा बोल के उससे रिक्वेस्ट लेना है दोस्तों, स्ट्राइक आ गया तो। लेकिन कॉपीराइट आ गया तो आपको एक मौका देता है यूट्यूब ने, सिंपल प्रोसेस है वो उसको कॉपीराइट हटा के, वो कॉपीराइट क्यों आ रहा है वीडियो पे, कौन से पार्ट में कॉपीराइट आ रहा है वो वीडियो पे, वो पार्ट आपको सीन लिव में दिखा दूंगा दोस्तों। मैंने मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आया है लिव में, आपको वीडियो पे दिखाऊंगा कॉपीराइट कैसे हटाए। चलिए दोस्तों, वीडियो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे बेल बटन को दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस डेली अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक ठोक देना दोस्तों। क्रोम ओपन करना दोस्तों, क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यूट्यूब लाइब्रेरी सर्च करना दोस्तों। मैंने ऑलरेडी सर्च किया दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी सबसे पहला ऑप्शन है ना दोस्तों, उस पर क्लिक करिए दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोम को यूज़ कर लेना दोस्तों। क्रोम पर चूज़ करने के बाद यहाँ पे मेरा इनडायरेक्टली क्रोम पे आ जाएगा दोबारा। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल खुल चुका है। कंटेंट पे क्लिक करिए, कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर है दोस्तों, फिल्टर पे क्लिक करो। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम बोल के दिखा रहा है। कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक करते ही आपको दो वीडियोस दिख जाएंगे मेरे कॉपीराइट आ चुके हैं, दो कॉपीराइट क्लेम वीडियोस आ चुके हैं मेरे को। कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक करिए। कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सी यू डिटेल्स बोल के दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो कितना, 2 मिनट्स है मेरा वीडियो। वीडियो पूरा कॉपीराइट ही है दोस्तों, क्यों इसलिए मेरे को यहाँ पे आपको आपका वीडियो एक बार चेक कर लेना। आपका वीडियो पे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक रहेगा तो यहाँ पे 6 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड्स के बीच में कॉपीराइट हटा सकते हो बोल के आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो पूरा कॉपीराइट दिख रहा है। ये 2 मिनट्स का मैंने कॉपीराइट हटा दिया, वीडियो कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए आपका वीडियो एक बार चेक कर लेना, आपका वीडियो पे कहाँ पे कॉपीराइट दिया हुआ है, क्यों कॉपीराइट दिया हुआ है, किसी के चीज़ के वजह से आपको कॉपीराइट मिला है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेरा देखिए वीडियो पूरा कॉपीराइट है बोल के यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए उसके बाइक वाले में 00 दिखा रहा है, उसके आसपास में 2.8 सेकेंड का पूरा कॉपीराइट ही है दोस्तों मेरा वीडियो, इसलिए मैं हटा नहीं सकता, लेकिन ओनर से रिक्वेस्ट मांग सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, 3 मोड सेगमेंट बोल के है दोस्तों, वो भी अब ओपन नहीं है मेरे को। रिप्लेस सॉन्ग बोल के है, वो भी ओपन नहीं है। म्यूट सॉन्ग बोल के, वो भी ओपन नहीं है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वीडियो पूरा कॉपीराइट आ चुका है, क्योंकि मेरा फुल सॉन्ग है दोस्तों, ये हिंदी सॉन्ग है। इसका मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। आपका वीडियो पे थोड़ा 6 सेकंड 3 सेकंड्स का कॉपीराइट मिला हो तो आपको ऊपर वाले 3 खुल जाएंगे दोस्तों। ये क्योंकि ये है म्यूट सॉन्ग, मतलब आपको कॉपीराइट क्यों आया है, वो कौन से तरफ से आया है, वो रिमूव करके म्यूट कर देता है सॉन्ग को। मतलब वीडियो पे रहेगा, टाइम वही रहेगा, कुछ भी नहीं कटेगा वीडियो पे, जस्ट वो सॉन्ग साउंड चल जाएगा दोस्तों, साउंड म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन रिप्लेस सॉन्ग है ना दोस्तों, इस पर सेंड आपको कॉपीराइट वीडियो पे कॉपीराइट कहाँ पे आ रहा है वो पार्ट को निकाल देगा ऑटोमेटिकली। ये है दोस्तों रिप्लेस सॉन्ग, सबसे पहला है ना दोस्तों। इस पर 3 मोड सेगमेंट, इस पर क्या है ना, यहाँ पे कॉपीराइट को से म्यूज़िक से आ रहा है, वो म्यूज़िक हटा के आपको बिना कॉपीराइट की म्यूज़िक यहाँ पे मिलेगी, उसको आप लगा सकते हो इस पर, वहाँ पे वो कॉपीराइट चल जाके आपका वीडियो चलने लगेगा और उससे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तले वाला है ना दोस्तों डिस्प्यूट बोल के, इस पर क्लिक कर दिया, डायरेक्टली ओनर से मांगना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, इस पर मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका वीडियो एक बार जाके चेक कर लेना। मैं कैसे बताएं, वैसे ही जाके चेक कर लेना एक बार वीडियो पे। आपको ऊपर वाले 3 ऑप्शन खुलेंगे, आपको उस पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, वो ऑप्शन को आपने चुन के कॉपीराइट को हटा सकते हो इजीली। आप बिना कॉपीराइट हटे मेरे को चैनल पे बता देना कि क्या बताया हो आपने, कॉपीराइट नहीं हटा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिस्प्यूट पे क्लिक करता हूँ। डिस्प्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक कर देते हैं, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉपीराइट एक्सपेशन
सच एज फायर यूज बोल के है ना तीनवें वाला, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसके तले आगे, उसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे टिक कर देना है। ये क्या बोल रहा है कि डीलर से मैंने रिक्वेस्ट मांगना है, उसी का एक सोल्यूशन है मेरे को, वही एक सोल्यूशन है। वो कॉपीराइट नहीं दुआ है तो मैंने उसका वीडियोज़ कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं देगा। यही है दोस्तों, एक ओनर से एक बार आ जाएगा, उसके तरफ से परमिशन आ जाएगा लगाने के लिए, अब कभी वो नहीं देगा आपको कॉपीराइट। मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पर दबा देता हूँ। कंटिन्यू पर दबाने के बाद यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ आपका वीडियो कौन सा टाइप के, कौन सा कंटेंट का है। यहाँ पे देखिए मैंने एंटरटेनमेंट का रखा हूँ, एंटरटेनमेंट क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए मैंने बोलता हूँ सर प्लीज़ रिमूव द कॉपीराइट माई वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर यू सर। चलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, तल ये तीन को आपको चूज़ करना है। यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा चैनल का नाम लग देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है दोस्तों, वही रख देता हूँ मैंने, मेरा चैनल का नाम सॉरी दोस्तों कम फिल्म रख दिया मैंने। कम फिल्म रख देने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट में वैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे चले जाएगा, इसमें यू विल सेंट द क्लाइमेट फॉर रिव्यू, मतलब आपका रिव्यू चल गया है। यहाँ पे दे हुआ है अगले 30 दिन में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब वो कॉपी हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 30 दिन का टाइम दुआ है। लेकिन यहाँ पे या एक दिन या 2 दिन पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों मेरे को स्पॉटली मैसेज आ गया है ईमेल से, इस पर क्लिक करते हैं क्या ये यूट्यूब तरफ से आया है, डीलर तरफ से नहीं आया है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा सॉन्ग का नाम भी डाल दिया है दोस्तों, देखिए दोबारा ऑफिशियल ट्रेलर बोल के है ना ऊपर, ये वीडियो मेरा वीडियो टाइटल है, ये जस्ट यूट्यूब ने दिया हुआ है। कॉपीराइट क्लेम डिस्प्यूट हैज़ बिन सबमिट, मतलब मैंने यहाँ पे मैसेज किया हूँ डीलर को, वही मैसेज आपको सबमिट किया हुआ है ये यूट्यूब ने, मतलब ये यूट्यूब कंपनी ने डीलर को सबमिट किया है मैसेज, वही आपको ईमेल पे मैसेज आया है, आपका मैसेज डीलर के पास चल चुका है बोल के मेरे को ये मैसेज पे बता रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आल पे बेल घंटी पर दबा लेना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट पे प्यारा सा कमेंट कर देना, आपका हेल्प इस वीडियो से हुआ या नहीं, हुआ नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आपने मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, बाय बाय।